फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम पटना के संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क आए हैं। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में स्थित एक प्रमुख जूलॉजिकल पार्क है। फ्रेंड्स, जू की एंट्री टिकट 30 रुपीज है पर पर्सन, और यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक की आइटम्स लेकर आप एंटर नहीं कर सकते हैं। सो आपके पास अगर कोई भी प्लास्टिक की आइटम्स हो तो वो आप टिकट काउंटर के पास जमा कर सकते हैं बिना किसी फी के। यह पार्क पटना के बेली रोड में स्थित है। यहाँ पर जू का मैप है, इस मैप को देखकर आप आसानी से एनिमल को फाइंड कर सकते हैं। पार्क की स्थापना 1969 में हुई थी और शुरुआत में इसे पटना जू के नाम से जाना जाता था। गाइस, दोनों चिंपैंजी काफी टायर्ड हो चुके हैं और क्या मस्त पोज में सो रहे हैं वो लोग। लायन पेड़ के पीछे सो कर रहे हैं जिसके कारण वो दिख नहीं पा रहा है। गाइस, ये यहाँ का स्नेक हाउस है। सांप घर के अंदर आप सांपों की विविध प्रजातियां देख सकते हैं। ये रैट स्नेक है और काफी लंबा है ये। यहाँ का भालू काफी एक्टिव है, लगता है उसे भूख लगी है, डांस कर रहा है। इस टॉय ट्रेन में बैठ के आप पूरा पार्क घूम सकते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रिच है। फ्रेंड्स, अब हम नॉक्टर्नल हाउस के अंदर चलते हैं। छोटे छोटे स्टॉल से जहां से आप खीरा, झालमुड़ी वगैरह खा सकते हैं।
काफी सारे टॉर्टोइस के बच्चे हैं यहाँ पर। गाइस अब हम वाटर गार्डन एंटर करने वाले हैं। वाटर गार्डन में जलीय पौधों के विविध संग्रह वाले तालाब हैं। ये यहाँ का फर्न हाउस है। काफी सारे वैरायटीज ऑफ फर्न्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये एक छोटा सा हाउस है जहां पर काफी वैरायटीज ऑफ कैक्टस डिस्प्ले पर है। काफी बड़े बड़े थॉर्न हैं इसके। फ्रेंड्स बहुत बड़ा जू है ये। इसे पूरा एक्सप्लोर करने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। कुछ रेस्टोरेंट भी है जहां पर से आप स्नैक्स वगैरह खरीद कर खा सकते हैं। गाइस यहाँ पर काफी बड़ा हिप्पोपोटामस है। यहाँ पर 2 हाथी है। पटना में संजय गांधी वाइल्डलाइफ पार्क न केवल मनोरंजन का स्थान है बल्कि भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एडुकेशन में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। फ्रेंड्स तो ये था पटना जू का टूर। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।